हम ये चाह रहे थे कि उनके कोई दिग्गज नेता, जो बड़े बड़े नेता उनके डोडा में बैठे हैं, वो आके लड़े तो फिर लड़ाई का भी मजा आता, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर लिया है। नमस्कार, आप जुड़ गए पुकार न्यूज के साथ, मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज डोडा के एमएलए श्री शक्तिराज पढ़ियार ने गुंदरा महाला चुनावी क्षेत्र से अपना नामांकन फॉर्म भरा। उन्होंने एक बार फिर से गुपकार अलायंस की पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग बीजेपी यानी शक्तिराज पढ़ियार का समर्थन करते नजर आए। अब आगे देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि लोग किसको अपना वोट देते हैं, लोग क्या सोचकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। एमएलए शक्तिराज पढ़ियार का कहना ये है कि लोग पूरी तरह से उनका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के हित के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी वे लोगों के हित के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो आइए इस चुनावी दंगल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए महाला से हमारे संवाददाता अंजना ठाकुर की इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अंजना ठाकुर, पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गुंदना के महाला गांव में आए हैं, जहां पे भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट श्री शक्तिराज पढ़ियार अपने दूसरे नॉमिनेशन के लिए यहां पे आए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगी कि वो जूम करके दिखाएं कि यहां पे वो अपना नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं। यहां पे भारी संख्या में जो लोग आए हुए हैं उनके स्वागत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो नॉमिनेशन आपने भरा, तो अभी आप डोडा से आए हैं, आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को यहाँ पे? मैं यहाँ गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस गर्मजोशी से उन्होंने यहाँ पे वेलकम किया, स्वागत किया, और आज हमने यहाँ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करूँगा और पार्टी का, हाईकमांड का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ का मैंडेट दे के मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। आप बताइए सर, आपने दो जगह से नॉमिनेशन भरा, आपने मरमत से भी भरा, यहाँ से भी, इसके पीछे क्या राज है? ये अभी आपको कुछ दिनों के बाद जानकारी मिल जाएगी कि इसका क्या राज है। आपने कल देखा होगा कि एक जो एनसी कांग्रेस का एक गठजोड़ यहाँ डोडा में हुआ है, और ख़ासकर दो कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ, ये एक हमारी भी एक स्ट्रेटजी है। हम ये चाह रहे थे कि उनके कोई दिग्गज नेता, जो बड़े बड़े नेता उनके डोडा में बैठे हैं, वो आके लड़े तो फिर लड़ाई का भी मज़ा आता, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर लिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, शक्ति परिहार के कारण हुआ कि आज एनसी और कांग्रेस, जो एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे, आज इकट्ठा होकर, वो ये जानते हैं कि अकेले अकेले अगर जाएंगे तो इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आज इकट्ठा होकर हमारा मुकाबला करने आए हैं। मैं आज, आपने देखा होगा जो पब्लिक, जो भीड़ यहाँ पे जुटी है, मैं ये विश्वास से कहूँगा कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। आपको क्या लगता है उनका कोलेशन किस बात पे हुआ होगा, मतलब वो क्या आपसे डरते हैं कि मतलब अगर वो अकेले अकेले आएंगे? आ जाए ना, अकेले अकेले क्यों नहीं आए, ये सवाल आप अगर उनसे पूछें तो बेहतर होगा। सर, आपकी कैसी तैयारियां डीडीसी इलेक्शंस के लिए? हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपने देखा है सारा काफिला, इस वक्त जो लोगों का हजूम जो उमड़ा था, इससे ये लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, जो काम डेवलपमेंटल काम किए हैं, और 3 साल का मौका मुझे एज एमएलए काम करने का इस एरिया में मिला, इस एरिया में जो डेवलपमेंट हुई है, जो कामकाज हुए हैं, हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ डोडा के अंदर आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ बने। सर, अगर देखें हम कि क्या आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा, हमने 2014 में भी यही कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करेंगे और डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो खासकर इस कोरोना काल में जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज लोगों को दी, उसमें चाहे मुफ्त राशन की बात हो, 8 महीने का मुफ्त राशन लोगों को, गरीब लोगों को दिया गया, गैस सिलेंडर्स फ्री में दिए गए, जनधन योजना में पैसा दिया गया, पीएम किसान निधि में किसानों को पैसा दिया, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब मजदूर किसान के लिए हमेशा खड़ी है। सर, वीडीसी पे अगर देखा जाए तो वीडीसी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने कुछ किया नहीं उनके लिए। वीडीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, वीडीसी जो रेस्क्यूज की हम बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, और उनमें
स्टार्ट में उनकी क्या हालत थी, क्या उनको सैलरी ऑनरेरियम मिलता था, आज उनको 18,000 रुपये पर SPO को मिल रहा है, लेकिन एक साल से मिल नहीं रहा है। मिल रहा है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। आज हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जो मंत्री हैं PMO में आज डोडा में आए हैं, इस पर पूरी चर्चा होगी और मैं आश्वासन दूंगा, विश्वास से ये कहूंगा कि VDC का कोई भी मसला होगा हम उसके लिए फ्रंट पे खड़े होंगे और उस मसले को हम सुलझाएंगे ताकि जितने भी हमारे मेंबर इंडिविजुअल उनके अकाउंट में पैसा जाए। भारतीय जनता पार्टी शक्ति राज पडियार साहब आगे बढ़ो, शक्ति राज पडियार साहब आगे बढ़ो। मोहतरम आवाम ही है इस समय हमारे सामने, शक्ति राज जी परिहार, हमारे अध्यक्ष स्वामी राज जी शर्मा। मैं चंद दो बातें करूंगा और खासकर हिंदू और मुसलमान भाइयों को जो एक बीच में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको बताऊंगा। पहले हम वोट मांगते थे शक्ति राज परिहार जी के लिए, आज इनका काम हमसे वोट मांग रहा है। और नहीं, ये थोड़ा सा रखेंगे।